हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में एक बहुत ही गंभीर और सेंसिटिव टॉपिक पर आपसे बात करने जा रहा हूं। एनटीए ने जेई स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया है उसकी ये कहानी आपको झकझोर देगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इतना वायरल करें कि ये एनटीए तक और इस देश के शिक्षाविदों तक पहुंचे, जो लाखों स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन की पॉलिसीज बनाते वक्त उनके परिणामों पर बिल्कुल विचार नहीं करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एनटीए के जेई मेन एग्जाम के प्लान में क्या खामियां हैं और स्टूडेंट्स को उनका किस तरह से नुकसान होने जा रहा है। एसी कमरों में बैठकर स्टूडेंट्स का भविष्य दांव पर लगा देते हैं और बिना ग्राउंड रियलिटी जाने स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। पिछले 25 सालों से हम स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हुए उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करवा रहे हैं और ये सो कॉल्ड एजुकेशनिस्ट के फैसले स्टूडेंट्स के सपनों को तोड़ देते हैं और उन्हें तनाव का शिकार बना देते हैं। स्टूडेंट्स के साथ साथ मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अपनी आवाज उठाइए ताकि एनटीए अपनी कुंभकर्णी नींद से जागे और लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ एक्सपेरिमेंट करना बंद करे। जनवरी जेई मेन का रिजल्ट देखकर बहुत से स्टूडेंट्स आज अपने आप को सेफ समझ रहे हैं और अपनी एक सर्टेन ऑल इंडिया रैंक अज्यूम करके अप्रैल अटेम्प्ट पर फोकस हटा चुके हैं या हटाने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इस बात को शायद एनटीए ने भी रियलाइज नहीं किया होगा। मैं पूछना चाहता हूं एनटीए से कि उन्होंने इस बात को क्यों रियलाइज नहीं किया। जनवरी व अप्रैल में एग्जाम कराने और फिर बेस्ट परसेंटाइल स्कोर से ऑल इंडिया रैंक बनाने के इस खतरनाक खेल से न जाने कितने मासूम स्टूडेंट्स गलत डिसीजन लेकर अपना वो दूसरे स्टूडेंट्स का भविष्य दांव पर लगा देंगे। हर स्टूडेंट जेई मेन और जेई एडवांस की ऑल इंडिया रैंक के आधार पर चाहे वो आईआईटी हो या एनआईटी हो बेहतर विकल्प का चुनाव करता है और ये उसका मौलिक अधिकार है। लेकिन कितना खतरनाक है एनटीए का यह डिसीजन, एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से मैं आपको यह बात समझाता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, जनवरी अटेम्प्ट की परसेंटाइल के आधार पर मैं टॉप 5000 स्टूडेंट्स का सैंपल लेकर आपसे बात कर रहा हूं और एक टेबल आपको दिखाता हूं। अब देखिए इस टेबल में जेई मेन में नॉर्मली 5000 के आसपास जो ऑल इंडिया रैंक आती है वो स्टूडेंट्स नॉर्मली अपने आप को सेफ समझते हैं क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स को टॉप एनआईटीज में एडमिशन मिल जाता है। जनवरी अटेम्प्ट की परसेंटाइल के आधार पर स्टूडेंट्स ने अपने ऑल इंडिया रैंक का अनुमान लगा ही लिया है। जी हाँ, ध्यान से समझिएगा, अगर इन 5001 स्टूडेंट्स में बात कर रहा हूं टॉप 5000 स्टूडेंट्स की, तो जो पहले 5000 स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को सेफ समझ रहे हैं। आप देखिए इसमें टॉप 5000 स्टूडेंट्स की जो एक एक्सपेक्टेड परसेंटाइल हो सकती है, जिस परसेंटाइल पर टॉप 5000 रैंक उनकी बन रही होगी, वो मैंने यहां पर एक रफ आइडिया लेकर आपको दिखा रखा है। इसी तरह से हालांकि ये बहुत क्लोज अप्रोक्सीमेशन है और इसी अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग टॉप 5000 के अंदर अंदर वो स्टूडेंट आ रहे होंगे। वो स्टूडेंट जिनकी परसेंटाइल इस रैंक इस परसेंटाइल से के आसपास या इससे बेटर है वो डेफिनेटली टॉप 5000 में अपनी पोजिशन बना लेंगे। हम बात करते हैं टॉप 5000 स्टूडेंट्स के जस्ट बाद वाले स्टूडेंट की, यानी 5001 में जो रैंक होगी उस स्टूडेंट की, उसकी जो एक्सपेक्टेड उसकी जो एक अप्रोक्सीमेट परसेंटाइल है वो इस परसेंटाइल से स्लाइटली कम हो जाएगी। चूंकि ये फिगर सेवेंथ डिजिट तक जा रहा है डेसिमल प्लेस के बाद, इसलिए जस्ट मैंने ये वाला परसेंटाइल इसके लिए लिया है और ये बहुत ही क्लोज अप्रोक्सीमेशन है। जिस तरह का रिजल्ट आया है जेई मेन का, उसी रिजल्ट के आधार पर जिस परसेंटाइल पर उन्होंने रैंक्स जिस परसेंटाइल को उन्होंने डिक्लेयर किया है उसी परसेंटाइल को मैंने यहां पर लेकर ये कैलकुलेशन किया है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ये 5001 स्टूडेंट्स अपने आप को सेफ समझते हुए अगर जनवरी के बाद अप्रैल में एग्जाम नहीं देने का डिसीजन लें तो क्या हो जाएगा? ये एक बहुत ही खतरनाक गेम होने जा रहा है। अगर इन स्टूडेंट्स ने जनवरी के बाद अप्रैल में एग्जाम नहीं दिया, किन स्टूडेंट्स ने, टॉप 5001 स्टूडेंट्स ने, अगर जनवरी में जो उनका रिजल्ट आया उस पर अपने आप को सेफ मानते हुए अप्रैल में एग्जाम नहीं दिया, क्योंकि वो अपने आप को सेफ समझते हैं और उन्होंने अगर वो एग्जाम नहीं दिया तो फिर ऐसी स्थिति में अप्रैल में होने वाले एग्जाम के बेसिस पर नए टॉपर्स निकल कर आएंगे। भले ही उनका स्कोर जनवरी अटेम्प्ट वाले टॉपर्स से कम हो, लेकिन उनका परसेंटाइल स्कोर उन्हें टॉपर्स की लिस्ट में लाकर खड़ा कर देगा और जो स्टूडेंट्स आज 5000 रैंक पर है, 5001 रैंक पर है, उसका परसेंटाइल स्कोर से ऊपर अप्रैल में फिर से नए 5001 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। उसकी आज 5001 रैंक है और अप्रैल में फिर से 5000 स्टूडेंट्स नए आ जाएंगे और आज का 5001 रैंक वाला स्टूडेंट अचानक से सरक कर 10001 पर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आज उस 5001 के ऊपर 5000 स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी हैं और इन स्टूडेंट्स ने अप्रैल में अपना एग्जाम नहीं दिया,
तो अप्रैल में नए 5001 स्टूडेंट्स आ जाएंगे और ये जो स्टूडेंट होगा ये सरक के 10001 रैंक पर चला जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में इस स्टूडेंट की कोई गलती नहीं रही, इसका जो जनवरी अटेम्प्ट के रिजल्ट के बेसिस पर खुद को सेफ माना, यही एक इसकी बहुत बड़ी गलती रही और इसने जनवरी में जो एग्जाम हुआ उसके आधार पर अपनी ऑल इंडिया रैंक अज्यूम कर ली और अप्रैल में दोबारा एग्जाम नहीं देने का डिसीजन ले लिया। इसकी जो बेस्ट परसेंटाइल थी जनवरी अटेम्प्ट की, वही परसेंटाइल फाइनली इसकी ऑल इंडिया रैंक बनाने के लिए इस स्टूडेंट की यूज हुई और एनटीए की इस नासमझी भरी प्लानिंग के चलते ये स्टूडेंट 10001 रैंक पर सरक गए। कितना खतरनाक ये गेम यहां पर हुआ और ऑल इंडिया रैंक जो स्टूडेंट्स आज उससे कई कमजोर स्टूडेंट्स हैं जिनका इस अटेम्प्ट में बहुत ही कम स्कोर आया होगा और अप्रैल अटेम्प्ट में चूंकि उनका स्कोर इस स्टूडेंट के कम से कम आने के बावजूद भी वो टॉप 5000 में अपनी जगह बना लेंगे और इस स्टूडेंट से ऊपर आ जाएंगे और इससे कम पोटेंशियल रखते हुए भी इससे बेहतर कॉलेज में बेहतर ब्रांच में एडमिशन पाने के हकदार हो जाएंगे। 5000 स्टूडेंट्स के इस सैंपल को अगर मैं छोटा करके एक बार फिर से आपको समझाऊं तो आप बहुत आश्चर्यचकित रह जाएंगे। मैं बात करता हूं अब केवल टॉप 15 स्टूडेंट्स की। जी हां, टॉप 15 स्टूडेंट्स जनवरी अटेम्प्ट में 100% लेकर आए हैं, यानी आज अगर ऑल इंडिया रैंक बनती है तो उनकी रैंक 1 to 15 के अंदर अंदर आ जाएगी। एक और दूसरे टेबल में अब आपको बताता हूं, आप इस वाले टेबल में देखिए, यहां अब मैं बात कर रहा हूं केवल टॉप 15 स्टूडेंट्स की और इन स्टूडेंट्स का जो आज का रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर इनका रैंक बनेगा तो चूंकि ये 100% पर हैं इसलिए इनका ऑल इंडिया रैंक 1 to 15 के अंदर अंदर आ जाएगा। ये सारे स्टूडेंट्स 1 to 15 ऑल इंडिया रैंक के हकदार होंगे। अब हम बात करते हैं उस स्टूडेंट की जिसकी 100% नहीं है, 100% से स्लाइटली कम है, 99.99999 और ये अगर स्टूडेंट, इसको हम नाम दे देते हैं ए, मान लीजिए ये स्टूडेंट ए है, अगर आज ऑल इंडिया रैंक बनती है जनवरी अटेम्प्ट के आधार पर तो इसकी ऑल इंडिया रैंक बनेगी 16। ये 16वें नंबर पर आने वाला स्टूडेंट है और ये कहीं से भी कमजोर नहीं है, 100% वाले स्टूडेंट से जस्ट बाद वाला ये स्टूडेंट है। और अगर ये माना जाए कि अप्रैल में फिर से यही कहानी रिपीट होने वाली है और ये 16 स्टूडेंट्स चूंकि बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं, 1 to 16 में हैं, तो अगर इन्होंने अप्रैल अटेम्प्ट नहीं देने का डिसीजन ले लिया, इन्होंने ये फैसला कर लिया कि हम अप्रैल वाले एग्जाम को नहीं देंगे क्योंकि हम तो बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं, तो जरा सोचिए क्या हो जाएगा। अप्रैल अटेम्प्ट में नए 15 स्टूडेंट्स वापस से फिर से सामने आएंगे। यहां पर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो कहानी अभी जनवरी में हुई है वही कहानी अप्रैल में फिर से रिपीट होने वाली है, यानी 100% के लगभग 15 नए स्टूडेंट्स फिर से सामने आ जाएंगे। और अब अप्रैल अटेम्प्ट के आधार पर जब फाइनल रिजल्ट बनेगा तो हर स्टूडेंट की बेस्ट परसेंटाइल यूज की जाएगी। वो टॉप 15 स्टूडेंट्स जो आज 100% पर हैं और वो नए 15 स्टूडेंट्स जिनकी अप्रैल में 100% आ रही है, टोटल हो गए 30 स्टूडेंट्स। तो ये 30 स्टूडेंट्स 100% के साथ आज अप्रैल में के रिजल्ट के बाद अपनी ऑल इंडिया में पोजीशन बनाएंगे और वो जो 16वां स्टूडेंट है उसकी 100% नहीं आई, वो 99.9999 पर ही है। आज अगर रिजल्ट बनता है तो वो 16 रैंक पर होगा, लेकिन अगर अप्रैल के बाद रैंक बनती है तो वो 16 नहीं बल्कि 31 पर लुढ़क जाएगा क्योंकि 15 स्टूडेंट्स जनवरी के और 15 स्टूडेंट्स अप्रैल के, ये सब मिलकर इससे ऊपर आ जाएंगे। और बल्कि इतना ही नहीं, इसमें एक और बहुत खतरनाक बात है कि ये जो 16 स्टूडेंट्स हैं इनमें से पहले 15 स्टूडेंट्स की तो 100% आई है और उनका रिजल्ट और उनकी रैंक ऑल इंडिया में 1 to 15 आ रही है, लेकिन वो भी सेफ नहीं है, नए सिरे से उन स्टूडेंट्स की रैंक डिसाइड होगी क्योंकि अब 100% वाले 30 स्टूडेंट्स हो जाएंगे और 1 to 15 के अंदर जो आज स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो भी 1 से लेकर 30 के बीच में रीअरेंज हो जाएंगे। यहां पर आप देख रहे हैं 1 टू 30 के बीच में उनको नए सिरे से फिर से रैंक्स अलॉट होंगी, जबकि आज वो अपना बेहतरीन प्रदर्शन दे चुके हैं और उन्हें कहीं पर भी अपने इस रैंक से कॉम्प्रोमाइज करने का कितना बड़ा अफसोस होगा, जबकि उनकी गलती सिर्फ एक रही, उन्होंने अपने आप को सेफ माना और अप्रैल में जो अटेम्प्ट होने जा रहा है वो नहीं दिया और उनका बेस्ट परसेंटाइल स्कोर ही फाइनली इस एग्जाम में यूज हुआ। अब आप सोचिए, इतना ये जो रिजल्ट बनाने का एनटीए का तरीका है इसका कितना जबरदस्त नुकसान स्टूडेंट्स का होने जा रहा है।
ये क्या किया एनटीए ने, दो बार हर स्टूडेंट को अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने का टारगेट दे दिया। यानी आज अगर इन स्टूडेंट्स को अपनी पोजीशन बचानी है तो अप्रैल अटेम्प्ट को दोबारा देना होगा। वो 5000 स्टूडेंट्स जिन्हें आज बेहतर एनआईटी में एडमिशन मिल सकता है, उन 5000 स्टूडेंट्स को अप्रैल में फिर से एग्जाम देना होगा। अगर वो फिर से 5000 के अंदर आना चाहते हैं तो वो एक बार अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, लेकिन यहां पर ही काम खत्म नहीं होता। उन्हें अप्रैल में फिर से अपनी परफॉर्मेंस दोहरानी होगी, तब जाकर वो अपनी पोजीशन को मेंटेन कर पाएंगे। ये कौन सा तरीका है स्टूडेंट्स को तनाव मुक्त करने का? हर स्टूडेंट को एनटीए ने दो बार एग्जाम देने का टारगेट दे दिया। ये तो सिर्फ टॉप 15 स्टूडेंट्स के केस हैं, जो मोस्ट सिक्योर्ड स्टूडेंट्स हैं, इनकी ऑल इंडिया रैंक भी खतरे में है। तो सोचिए 1000, 2000, 5000 ऑल इंडिया रैंक वाले स्टूडेंट्स का क्या होगा? इतना खतरनाक है एनटीए का ये खेल। बकवास है ये एनटीए का, जेईई मेन एग्जाम कराने का ये सारा प्रोसीजर, और इसे तुरंत बदल देना चाहिए। लेकिन इस गलती को कुछ हद तक सुधारने का अब एनटीए के पास केवल एक ही अवसर बचा है। और अब चूंकि एनटीए अप्रैल में दोबारा एग्जाम करवाने जा रहा है, तो एनटीए को चाहिए कि वो हर स्टूडेंट को अप्रैल अटेम्प्ट को कंपलसरी करे। क्योंकि जो स्टूडेंट आज टॉप 100 में है, या टॉप 1000 में है, या टॉप 5000 में है, उनमें से कई मासूम स्टूडेंट्स अप्रैल में एग्जाम नहीं देंगे या उसे लाइटली लेंगे और खुद को सेफ समझने की नासमझी में अपनी ऑल इंडिया रैंक नीचे लुढ़कवा लेंगे। और स्टूडेंट्स के एंड पर मैं एक और सलाह देना चाहूंगा कि आपको अप्रैल अटेम्प्ट देना ही है और उसमें इंप्रूव भी करना है। एक बात तो तय है कि एनटीए ने हर स्टूडेंट को दो बार एग्जाम देने के लिए मजबूर कर दिया। अगर एनटीए ने अपनी इस नीति में परिवर्तन नहीं किया तो सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा। वो स्टूडेंट जो आज 5-7 हजार के अंदर है, वो लुढ़क कर चला जाएगा 15 हजार के बाद। वो स्टूडेंट जो आज 15-20 हजार पर है, वो ऊपर आ जाएगा। और कई ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने आज अपनी अच्छी पोजीशन मेंटेन कर ली है, एग्जाम नहीं देने की गलती कर बैठेंगे और उनको फाइनली इस बात का नुकसान उठाना पड़ेगा। कई पीछे वाले स्टूडेंट्स को टॉप कॉलेजेस मिल जाएंगे और कई टैलेंटेड स्टूडेंट्स टॉप कॉलेजेस में एडमिशन से वंचित हो जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एनटीए की इस बेवकूफी भरी प्लानिंग के खिलाफ अपनी आवाज उठाइए और अपना व अपने साथियों का नुकसान होने से बचाइए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।